हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉल्यूम स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित ANM GNM भर्ती 2018 के बारे में। फ्रेंड्स, ANM GNM वाले कैंडिडेट के लिए एक न्यू अपडेट आया है, जिसमें कैंडिडेट के POP प्लेस ऑफ पोस्टिंग के ऑर्डर को निरस्त कर दिया है और इससे रिलेटेड नोटिस को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया है। फ्रेंड्स, दूसरा अपडेट है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत नई रिलोकेशन लिस्ट यहां पर कैंडिडेट के लिए जारी की है और इसके भी लिए आदेश यहां पर जारी कर दिए हैं। लिस्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। साथ ही फ्रेंड्स, विभिन्न वर्ग के रिक्त पदों की यहां पर स्वास्थ्य विभाग ने सूचना मांगी है, इसके लिए भी एक अलग आदेश जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, ये सभी आज ही की डेट में अपडेट आए हुए हैं, तो मैं एक एक करके आपको प्रत्येक अपडेट के बारे में बताऊँगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू अपडेट आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहे। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं ANM GNM वाले कैंडिडेट के जो POP ऑर्डर निरस्त किए हैं उनके लिस्ट को। तो फ्रेंड्स, ये रही राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट। अब इस पर आज विभिन्न आदेश जारी किए हैं, इसमें मैं आपको एक आदेश दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट से आदेश क्रमांक 411, यहाँ से देखिए श्रीमती सीमा नागर के ये लिए आदेश जारी किया है। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है, यहाँ से PDF फाइल इसके लिए डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने PDF फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ से देखिए, राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं जयपुर, देखिए नर्सिंग नर्स ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2018। आदेश में देखिए, निदेशालय के आदेश क्रमांक 543 दिनांक 24/6/2020 द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता गैर अनुसूचित क्षेत्र द्वारा श्रीमती सीमा नागर का महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर चयन किया गया था का निदेशालय के आदेश क्रमांक अराजपत्रित भर्ती प्रकोष्ठ, यहाँ से देखिए यहाँ पर आदेश के क्रमांक दिए हुए हैं, जो कि दिनांक 4/2/2021 के द्वारा श्रीमती सीमा नागर नव चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन तुरंत प्रभाव से निरस्त किया गया है का पदस्थापन तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित करते हुए राज्य सेवा से पृथक पदच्युत किया जाता है। यानी जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं सीमा नागर, इनको पहले नियुक्ति दे दी थी, बाद में अब इनका नाम यहाँ से तुरंत निरस्त किया जाता है और इसके लिए ये आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश क्रमांक देख लीजिए 411 और 3/3/2021 की डेट में इसे जारी किया गया है। मुकुल शर्मा के हस्ताक्षर देख लीजिए, निदेशक अराजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर, और इसकी प्रतिलिपि कहाँ कहाँ भेजी गई है तो इसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल जारी किया है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट अपडेट आया है वो भी यहाँ पर NHM वाले कैंडिडेट के अंतर्गत यहाँ पर जो नवीन पद स्थापित किए गए हैं उनके लिए 545 आदेश क्रमांक, जो कि आज ही की डेट में जारी किया है। तो इसकी भी PDF फाइल में आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से डेट देख लीजिए, 4/3/2021, राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, यहाँ से देखिए आदेश क्रमांक NHM HRD, यहाँ से देखिए 545, यहाँ पर आदेश में देखिए क्या आदेश आया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत निम्न संविदा कार्मिकों का रिलोकेशन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर रिलोकेशन पॉलिसी में वर्णित प्रावधान के अनुसार तुरंत प्रभाव से किया जाता है। यानी जिन भी कैंडिडेट्स के यहाँ पर रिलोकेशन किए गए हैं उनका यहाँ पर डिटेल जारी कर दिया है। क्रियम नंबर देख लीजिए, नाम देख लीजिए, संविदा पद का नाम तो अकाउंटेंट ANM वाले कैंडिडेट हैं, PSC आशा सुपरवाइजर हैं, यहाँ पर देखिए आयुष MO, यहाँ पर देखिए आयुष MO वाले, इसके बाद यहाँ से देखिए कंट्रोलर GNM वाले भी कैंडिडेट हैं, यहाँ से PHM NUHM वाले कैंडिडेट हैं, अकाउंटेंट, तो इस प्रकार अलग अलग कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं। और देखिए, इनका जो मूल पदस्थापन स्थल था वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, और अब रिलोकेशन के बाद इनको नवीन पदस्थापन स्थान मिला है वो भी इस तरीके से यहाँ पर जारी कर दिया है। तो टोटल कैंडिडेट्स की बात करें इस लिस्ट में, तो यहाँ से देखिए 25 कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए नया आदेश जारी कर दिया है। यहाँ से देखिए आदेश क्रमांक 25/16 दिनांक 31/12/2020 क्रम संख्या 88 पर अंकित रिलोकेशन को निरस्त कर श्री सुरेश कुमार रोज नर्स श्रेणी द्वितीय को यथावत CHC सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में रखा जाता है। आदेश क्रमांक 09 दिनांक 5/1/2021 क्रम संख्या 14 पर अंकित श्री निरंजन कुमार पारीख लेखाकार का नवीन पदस्थापन स्थान PSC
भालेरी चुरू के स्थान पर पीएससी फोगा ब्लॉक सरदार शहर जिला चुरू में किया जाता है। यदि उक्त कार्मिक वर्तमान में स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे हैं अथवा किसी प्रकार का विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तो संबंधित पर उक्त आदेश लागू नहीं होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सब डिटेल जारी कर दिया है और इसकी भी जो प्रतिलिपि है वो कहाँ कहाँ पर यहाँ पर इन्होंने जारी किया है तो उसके लिए भी यहाँ पर डिटेल जारी कर दिए हैं। फ्रेंड्स एक और अपडेट आया है तो उसको भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए क्या अपडेट है तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ जो नया अपडेट आया है। यहाँ से देखिए आदेश क्रमांक यहाँ से देखिए 96 पैरामेडिकल संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना भिजवाने के संबंध में। तो फ्रेंड्स यहां पर पैरामेडिकल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहां पर अपडेट आया है और जो भी रिक्त पद हैं उनकी सूचना यहां पर स्वास्थ्य विभाग ने मांगी है। देखिए राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राजस्थान जयपुर यहाँ पर देखिए किस किस के लिए ये आदेश जारी किया है तो भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह राजस्थान समस्त संयुक्त निदेशक जोन राजस्थान समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान और समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान। सब्जेक्ट में देखिए पैरामेडिकल संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना भिजवाने के संबंध में। तो फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर रिक्त पद हैं उनकी यहाँ पर सूची मांगी है और इस सूची को देखिए ईमेल आईडी ये दिया हुआ है इस पर 8/3/2021 शाम को 5 बजे तक इस ईमेल आईडी पर स्वास्थ्य विभाग को भिजवाने का यहाँ पर श्रम करें। ये यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने मांगा है। यहाँ से देखिए क्रम संख्या संस्था का नाम किस संस्था में कितने पद स्वीकृत हैं कितने पद यहाँ पर कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त चल रहे हैं। देखिए ये भी लेटेस्ट अपडेट है मुकुल शर्मा जी के हस्ताक्षर देख लीजिए निदेशक अराजपत्रित चिकित्सा यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर 3/3/2021 की डेट का अपडेट है। तो फ्रेंड्स ये 2-3 अपडेट थे महत्वपूर्ण मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड आपको इस चैनल पर लगातार अपडेट मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।